बुधवार की सुबह अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया। वो 77 साल की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। रितेश देशमुख, साजिद खान, रमेश तोरानी, करण कपाड़िया जैसे सितारे शमशान घाट में मौजूद थे। सुबह ही अक्षय कुमार ने अपनी मां के गुजर जाने की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी थी। शमशान घाट से अक्षय कुमार की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो मायूस नजर आ रहे हैं। अक्षय के चेहरे पर मां को खोने का दर्द साफ देखा जा सकता है। बता दें, अरुणा भाटिया का अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू में पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। शमशान घाट पर कई बॉलीवुड सितारे स्पॉट किए गए। कई सितारे अक्षय की मां को आखिरी विदाई देने के लिए उनके पास पहुंचे थे। आपको बता दें, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी मां को खो दिया। अक्षय कुमार अपनी मां से बेहद करीब थे और उनका बहुत लगाव था। वो अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी मां के साथ फोटो शेयर करते रहते थे। अक्षय कुमार की मां फिल्म प्रोड्यूसर भी थी। अक्षय कुमार द्वारा 2018 में बनाई हरि ओम एंटरटेनमेंट कंपनी में वो अक्षय और ट्विंकल के साथ पार्टनर थी। आइए जानते हैं कि उनकी कंपनी ने अक्षय कुमार के साथ कौन कौन सी फिल्म बनाई और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा। सबसे पहला फिल्म आता है खट्टा मीठा। हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के सहयोग से बनी इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस में करीब 62 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें लीड रोल में खुद अक्षय कुमार थे। अगली फिल्म है ओ माई गॉड। 2012 में हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी ने ओ माई गॉड फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार भी थे। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ था, जबकि इसने करीब 105 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद आता है हॉलीडे। 2014 में हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी ने सनशाइन पिक्चर्स के साथ मिलकर हॉलीडे फिल्म का निर्माण किया था। इसमें अक्षय कुमार एक सोल्जर के रोल में थे। इस फिल्म का बजट करीब 50 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 170 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद फिल्म आता है रुस्तम। 2016 में हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी ने जी स्टूडियो के साथ मिलकर रुस्तम फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ 28 लाख रुपए थे, जबकि इस फिल्म ने कुल करीब 216 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। आखिरी मूवी आता है सिंह इज किंग। अक्षय कुमार ने 2008 में हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई। इसमें उन्होंने अपनी मां को ही पार्टनर बनाया था। इस कंपनी ने पहली फिल्म सिंह इज किंग बनाई थी। इस फिल्म में को प्रोडक्शंस आशीष अधिकारी प्रोडक्शन हाउस एंड वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के सहयोग से बनी थी। इसने कुल कमाई की थी करीब 136 करोड़ रुपए। ये वो फिल्में थी जिसमें अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया था।